हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। सो डियर स्टूडेंट्स, वी वर सॉल्विंग वर्कशीट 8 ऑफ चैप्टर 3 इंटीजर्स, एंड इन आर प्रीवियस वीडियोस वी हैव सॉल्व्ड अप टू क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ वर्कशीट 8, एंड टुडे वी विल कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 8। एंड द क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट द क्यूब ऑफ -2 फ्रॉम द क्यूब ऑफ 2। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है क्यूब ऑफ -2 को, किसमें से, फ्रॉम द क्यूब ऑफ 2। ओके, तो लेट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ क्यूब ऑफ -2। अब तो आपको क्लियर होगा क्यूब ऑफ -2 व्हाट इज़ क्यूब। क्यूब इज रेज टू पावर 3, एंड क्यूब ऑफ -2 मीन्स -2 रेज टू पावर 3। एंड द क्यूब ऑफ 2, व्हाट इज़ क्यूब ऑफ 2, अगेन हेयर द वर्ड क्यूब इज रिटन, एंड क्यूब मीन रेज टू पावर 3। अब यहाँ पर किसकी पावर है 3, ऑफ 2, 2 की पावर 3 है। एंड द क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट द क्यूब ऑफ -2। अब क्यूब ऑफ -2 को मैं सिंपल लिख रही हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, -2 रेज टू पावर 3 फ्रॉम द क्यूब ऑफ 2, और क्यूब ऑफ 2 को सिंपल 2 रेज टू पावर 3। तो ये सिंपल क्वेश्चन हो गया कि सब्ट्रैक्ट करना है -2 रेज टू पावर 3 को टू रेज टू पावर 3 से। तो अब हम इसको ऑपरेशनल फॉर्म में लिखते हैं, तो टू रेज टू पावर 3 माइनस -2 रेज टू पावर 3, ठीक है, बिकॉज यहाँ फ्रॉम है ना, तो फ्रॉम मीन्स हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम पहले किस टर्म को लिखते हैं जो फ्रॉम के नेक्स्ट में होती है, उसको हम पहले लिखेंगे, देन माइनस -2 रेज टू पावर 3। ओके, अब आपको पता है हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, हमने जो अपने 7th क्वेश्चन तक किसी को ही सॉल्व करना सीखा है कि जब भी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किसी भी टर्म को सॉल्व करना है तो पहले हम उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो फिर से मैं इसको सेपरेटली सॉल्व कर रही हूँ, 2 रेज टू पावर 3 को सॉल्व करूँगी पहले। 2 रेज टू पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2। अब यहाँ सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। ओके, अब यहाँ पर मुझे नेक्स्ट जो टर्म है वो कौन सी है, -2 रेज टू पावर 3, और -2 रेज टू पावर 3 को सॉल्व करने के लिए अगेन वी विल राइट दिस इन एक्सपेंडेड फॉर्म और इन प्रोडक्ट फॉर्म। तो -2 इंटू -2 इंटू -2, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, यहाँ तो पॉजिटिव था नंबर तो आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव की पावर चाहे इवन है चाहे ऑड है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव ही रहता है। बट जब हमारे पास बेस नेगेटिव है तो उसकी पावर अगर इवन है तो आंसर पॉजिटिव होता है, और पावर अगर ऑड होती है तो आंसर नेगेटिव होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब नेगेटिव की पावर ऑड है, ठीक है, तो हमारा आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। ओके, और यहाँ पर बाकी बेसिस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। ओके, यहाँ पर जो नेगेटिव है वो 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, या तो आप 3 टाइम्स रिपीट हुआ है तब भी वो क्या है, ऑड है, 3 इज़ ऑड, तब भी हम यहाँ पर नेगेटिव का साइन ही लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट टर्म थी उसकी वैल्यू भी फाइंड हो गई और सेकेंड टर्म की वैल्यू भी फाइंड हो गई है। अब सिंपली हमने इसको इसमें पुट करना है, तो 2 रेज टू पावर 3 -2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू, 2 रेज टू पावर 3 की वैल्यू है आपके पास 8, तो मैं यहाँ 8 फिल कर रही हूँ, बाकी ये माइनस का साइन एज इट इज़। -2 रेज टू पावर 3 की वैल्यू क्या है आपके पास, -8। अब ये -8 नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव को मैं ब्रैकेट में ले रही हूँ, -8। अब सिंपली पहले तो क्या करेंगे, ये हमारे पास 2 साइंस आ गए माइनस और माइनस, तो इनको कंबाइन कर लेते हैं, तो माइनस माइनस 2 माइनस होंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 8 प्लस 8। नाउ 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16, एंड दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड ही करना जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और आपको ये हमेशा याद रखना है क्यूब मीन क्यूब ऑफ, अगर किसी भी नंबर का क्यूब होता है तो वो रेज टू पावर 3 है, और अगर स्क्वेयर है इट मीन्स दैट इज़ पावर 2। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरीफिकेशन, क्वेश्चन नंबर 9, वेरीफाई -2 रेज टू पावर 5
इंटू माइनस रेज टू रेज टू पावर थ्री इज इक्वल टू माइनस टू रेज टू पावर एट। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, वेरीफाई। वेरीफाई का मीनिंग क्या होता है? वेरीफाई मीन्स आपको प्रूव करना है, आपको यहाँ पर शो करके बताना है कि ये जो क्वेश्चन है इसकी जो टू साइड्स हैं वो इक्वल हैं। देखिए यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिया है इसमें इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन है ना। तो इक्वल का साइन मीन्स इक्वल के साइन का तो कोई ऑपरेशन नहीं होता है। ओके, इसका मीनिंग है कि ये जो साइड है आपकी इसके इक्वल है। तो इस क्वेश्चन में आपके पास टू पार्ट्स हो गए, एक इक्वल से पहले वाला और एक इक्वल के बाद वाला। तो यहाँ पर आपको टू क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, टू पार्ट्स को सॉल्व करना है और फिर उनको चेक करना है कि क्या इनके दोनों के आंसर्स इक्वल हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? वेरीफिकेशन। तो वेरीफिकेशन में हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करते हैं। ठीक है, यहाँ इक्वल का साइन है, ये इक्वेशन फॉर्म करता है, इक्वेशन है। तो इक्वेशन में हमारे पास क्वेश्चन के टू पार्ट्स होते हैं, टू साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे सेपरेटली और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, और फिर उनके आंसर्स को मैच करेंगे, क्या दोनों के आंसर सेम होते हैं। अभी तो क्वेश्चन देख के आप बता सकते हो कि क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस टू रेज टू पावर फाइव मल्टीप्लाई माइनस टू रेज टू पावर थ्री और माइनस टू रेज टू पावर एट, ये तो टोटली डिफरेंट है। ठीक है, अब इनको सॉल्व करके देखते हैं। तो फिर से आपने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपके पास क्वेश्चन है आपने उसको लिख लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू के पहले वाली जो साइड है उसमें आपने जितने भी आपके पास टर्म्स आ गई हैं आपने सबको ले लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास माइनस टू रेज टू पावर फाइव मल्टीप्लाई माइनस टू रेज टू पावर थ्री है, मैंने दोनों को ले लिया यहाँ पर। अब अगेन माइनस टू रेज टू पावर फाइव को मैंने यहाँ सेपरेटली सॉल्व किया, तो माइनस टू रेज टू पावर फाइव को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, फाइव टाइम्स माइनस टू लिखा है, और जब इसको हमने मल्टीप्लाई करके देखा तो हमारे पास जो आंसर है वो माइनस थर्टी टू होगा। ये तो अब आपको क्लियर हो ही गया है पीछे जब हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसके। नाउ माइनस टू रेज टू पावर थ्री, माइनस टू रेज टू पावर थ्री मीन्स आपको माइनस टू को थ्री टाइम्स लिखना है। अगेन आप इसको मल्टीप्लाई कर लिए, टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, और जो पावर है वो ऑड है तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो वैल्यूज़ थी उसको हमने यहाँ दोनों टर्म्स में फिल कर दिया है। अब माइनस टू रेज टू पावर फाइव की वैल्यू क्या है? माइनस थर्टी टू, यहाँ मैंने माइनस थर्टी टू लिखा है। और माइनस टू रेज टू पावर थ्री की वैल्यू क्या है? माइनस एट, यहाँ मैंने माइनस एट लिखा है। ठीक है, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अब तो नहीं है ये पावर की फॉर्म में ना, अब हम इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपने 32 को 8 से मल्टीप्लाई किया है तो 256 मिलेगा। अब यहाँ पर हमारे पास साइन कौन सा होगा? तो आप नेगेटिव, अब पावर तो कोई भी नहीं है, आप हमारे पास नेगेटिव के कितने साइंस हैं? टू साइंस हैं। ठीक है, वन टू, तो टू इज़ इवन नंबर, तो अगर इवन हो तो हम पॉजिटिव साइन लगते हैं। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर 256 आ गया। अब हम किसको सॉल्व करेंगे? हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, और राइट हैंड साइड क्या है? माइनस टू रेज टू पावर एट। अब माइनस टू रेज टू पावर एट मीन्स आपको माइनस टू को एट टाइम्स लिखना है। यहाँ मैंने एक्सपेंड करके माइनस टू को एट टाइम्स लिखा है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई आप टू टू ज़ा, टू टू ज़ा फोर, अगेन फोर टू ज़ा एट, एट टू ज़ा सिक्सटीन, सिक्सटीन टू ज़ा थर्टी टू, थर्टी टू टू ज़ा, आपने ऐसे आके आगे मल्टीप्लाई करते जाना है, थर्टी टू टू ज़ा सिक्सटी फोर, एंड सिक्सटी फोर टू ज़ा वन हंड्रेड ट्वेंटी एट, एंड वन हंड्रेड ट्वेंटी एट टू ज़ा टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स। आप करके भी देख सकते हैं, 256 आपके पास आंसर है। अब ये नेगेटिव का होगा या पॉजिटिव का, हम इसकी तो पावर देख सकते हैं, इवन है तो इसके लिए इसके साथ पॉजिटिव का साइन आया है। अब दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर्स को मैच करिए, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और ये आपके पास राइट हैंड साइड के आंसर का आंसर है। तो देखिए दोनों 256 ही हैं, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, और जो हमारी वेरिफिकेशन है वो हो गई, हैंस वेरीफाई। तो जब भी वेरीफाई का आपके पास क्वेश्चन आएगा, इट मीन्स आपको क्वेश्चन की टू साइड्स को सॉल्व करके शो करना है कि वो दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी के जैसा ही है ये भी, अगेन वेरिफिकेशन का क्वेश्चन है और इसका बी पार्ट है ये।
सिक्स रेज टू पावर फाइव मल्टीप्लाई सिक्स रेज टू पावर फोर इज इक्वल टू सिक्स रेज टू पावर नाइन। और यहाँ पर भी आपने इक्वल का साइन है, तो पहले वाली जो इसकी साइड है लेफ्ट हैंड साइड दैट इज सिक्स रेज टू पावर फाइव मल्टीप्लाई सिक्स रेज टू पावर फोर, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसको एक्सपेंड करके लिख लिया, सिक्स को फाइव टाइम्स मल्टीप्लाई सिक्स को फोर टाइम। अब देखो मैं यहाँ पर सेपरेटली नहीं कर रही हूँ, तो आगे जब आप भी परफेक्ट हो जाएंगे तो आप इसी तरह ही करेंगे, आपको सेपरेटली करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इन दोनों टर्म्स को अलग अलग करते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, ये माइनस टू रेज टू पावर फाइव है, माइनस टू रेज टू पावर थ्री है, तो हमने माइनस टू रेज टू पावर फाइव को अलग से सॉल्व किया और माइनस टू रेज टू पावर थ्री को अलग से सॉल्व किया है। हम इसको यहाँ पर भी एक ही ब्रैकेट में एक्सपेंड करके कर सकते हैं, बट वो हम कब करेंगे, जब हम परफेक्शन में आ जाएंगे, जब हम परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर इसको ऐसे किया, सिक्स रेज टू पावर फाइव था, इसको फाइव टाइम्स लिखा है, ठीक है, एक ही ब्रैकेट में मल्टीप्लाई सिक्स रेज टू पावर फोर, इसको फोर टाइम्स लिख लिया है एक ही ब्रैकेट में। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर ही, अब आप सिक्स सिक्स सा थर्टी सिक्स और थर्टी सिक्स सिक्स सा टू हंड्रेड सिक्सटीन, आगे आपको सबको क्या करते जाना है, मल्टीप्लाई करते जाना है इनको, ठीक है। अब देखो इतने बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करना भी मुश्किल हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, आप इनके टू के ग्रुप्स बना लो या थ्री के ग्रुप्स बना लो, फिर उनको मल्टीप्लाई कर लो, जैसे सिक्स सिक्स सा थर्टी सिक्स और थर्टी सिक्स सिक्स सा टू हंड्रेड सिक्सटीन, अब यहाँ तक तो हो गया, फिर उसके आंसर को आप सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको आप सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उससे बेटर ये है कि आपको थ्री टाइम मल्टीप्लीकेशन करने से बेटर है कि आप इन थ्री को मल्टीप्लाई करके टू हंड्रेड सिक्सटीन मिला और इन टू को मल्टीप्लाई करके आपको थर्टी सिक्स मिल गया, ठीक है। और जब आप 216 और 36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या है, 7776, ओके। अगेन अब यहाँ पर भी आप इसी तरह करिए, सिक्स सिक्स सा, अगर आपको सिक्स सिक्स सा थर्टी सिक्स है उसके आगे नहीं आता तो अगेन सिक्स सिक्स सा थर्टी सिक्स, सिक्स सिक्स सा थर्टी सिक्स, और जब 36 को 36 से करेंगे तो आपको 1296 मिलेगा। तो ये आप सिंपल वे में भी आप इसको ग्रुप्स में डिवाइड करके, ग्रुप्स में डिवाइड करके आप नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का वे आपका अपना है, आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो फर्स्ट टर्म थी उसका आंसर है ये, और सेकेंड टर्म का जो आंसर है वो ये है, ठीक है। और आप जब इन दोनों के आंसर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1,77,696,000। ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, आपने इसको सॉल्व करके देखना है, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में तो मुझे ये आंसर मिल गया है, राइट हैंड साइड का जो टर्म है दैट इज़ सिक्स रेज टू पावर नाइन, सिक्स रेज टू पावर नाइन लिखा। अब मैंने यहाँ पर सिक्स को नाइन टाइम्स लिखना है, सिक्स को नाइन टाइम्स लिखा, अब नाइन टाइम्स तो मैं उसको मल्टीप्लाई नहीं करूँगी, मैंने क्या किया है यहाँ पर थ्री थ्री नंबर्स को ग्रुप्स में ले लिया है, सिक्स सिक्स सा थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स सिक्स सा टू हंड्रेड सिक्सटीन, अगेन इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे टू हंड्रेड सिक्सटीन, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो टू हंड्रेड सिक्सटीन, फिर जब आप टू हंड्रेड सिक्सटीन को टू हंड्रेड सिक्सटीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगा 46,656, और जब आप इस नंबर को 216 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। ये आपने खुद सॉल्व करके देखना है, मैंने सॉल्व किया है, आप भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर क्या है, सेम आ गया। इट मींस आपकी जो वेरिफिकेशन है वो हो गई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो आप खुद ही देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी लेंथी है, इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन करके देखनी पड़ेगी, और मल्टीप्लिकेशन में आप थोड़ी सी भी मिस्टेक करोगे तो वेरिफिकेशन नहीं होगी, ठीक है। ये तो था, हमें फाइंड करना था, वेरीफाई करके बताना था उनको, बट अगर आपसे सिंपली पूछा जाए कि सिक्स रेज टू पावर फाइव मल्टीप्लाई सिक्स रेज टू पावर फाइव इज इक्वल टू सिक्स रेज टू पावर नाइन, येस और नो, आपको बस आंसर येस और नो में बताना है, तब भी क्या हम इतना क्वेश्चन सॉल्व करके इनको बताएंगे, नो। ये बहुत सिंपल है, ये लॉज हैं, एक्सपोनेंशियल लॉज हैं हमारे पास, बट ये जो लॉज हैं ये हमने क्लास सेवेंथ में पढ़ने हैं, और यहाँ पर उसका यूज़ होगा नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे उनमें है। मैं इसलिए आपके साथ इसको डिस्कस कर लेती हूँ कि हमारे पास लॉ वन है एक्सपोनेंट रेडिकल्स का, एक्सपोनेंशियल लॉज हैं ये, कि अगर हमारे पास कोई टू इंटीजर्स हैं जैसे
एक्स ले लेते हैं, एक्स इज एनी इंटीजर, एक्स रेज टू पावर एम मल्टीप्लाई एक्स रेज टू पावर एन, मीन्स टू इंटीजर्स हैं सेम हैं और वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी पावर कुछ भी हो सकती है, डिफरेंट भी है और सेम भी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों नंबर को सॉल्व करने के लिए जो उनकी पावर्स हैं उनको प्लस कर देते हैं, एक्स रेज टू पावर एम प्लस एन। ओके, क्या करना है कि अगर हमारे पास कोई टू या थ्री ऐसे इंटीजर्स हैं, नंबर्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में हैं बट उनके बेसिस सेम हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उनकी पावर्स को प्लस कर देते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखिए, टू रेज टू पावर थ्री मल्टीप्लाई टू रेज टू पावर टू, इसको सॉल्व करना है तो वो सिंपली क्या होगा, टू रेज टू पावर थ्री प्लस टू। हमने थ्री प्लस टू क्यों किया, क्योंकि यहाँ टू और टू बेस सेम है और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, एड, एंड इट विल बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, टू रेज टू पावर फाइव के। ठीक है, ये लॉ है, ये तो फैक्ट है कि ऐसा ही होगा। और इसी तरह अगर हमें इसका आंसर देना होता येस और नो में, सिक्स रेज टू पावर फाइव मल्टीप्लाई सिक्स रेज टू पावर फोर इज इक्वल टू सिक्स रेज टू पावर नाइन, येस और नो, तो इट विल बी येस। ठीक है, बिकॉज सिक्स रेज टू पावर फाइव प्लस फोर इज इक्वल टू नाइन, इसमें इसकी पावर को हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, इसी तरह आपका जो क्वेश्चन नाइन का ये पार्ट किया है उसमें भी माइनस टू रेज टू पावर फाइव मल्टीप्लाई माइनस टू रेज टू पावर थ्री, तो आप यहाँ पर देखिए क्या ये माइनस टू रेज टू पावर एट है, तो क्वेश्चन वेरीफाई होगा, ये तो हमें यही स्टेटमेंट से भी क्लियर हो जाता है। माइनस टू बेसिस सेम है और उनकी पावर्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो फाइव प्लस थ्री एट, तो माइनस टू रेज टू पावर एट होगा। बट ये जो लॉ है वो कहाँ यूज़ होगा, जब बेस सेम होंगे और उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा। ठीक है, और इसके साथ ही एक अनदर लॉ भी है, सेकंड लॉ, उसको भी मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमारे पास बेसिस सेम है, एक्स रेज टू पावर एम डिवाइड बाय एक्स रेज टू पावर एन, बेसिस सेम है और उनमें डिवाइड का साइन है, ठीक है, डिवीजन का साइन है, तो जो आंसर होता है वो किसके इक्वल होता है, एक्स रेज टू पावर एम माइनस एन। एक्स रेज टू पावर एम डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एम माइनस एन। ठीक है, ये एक्सपोनेंट बहुत आप डीपली पढ़ने वाले हैं सेवन्थ क्लास में, मैं तो जस्ट एक यूज जो हो रहे हैं उसकी इंट्रोडक्शन आपको दे रही हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बेस सेम हो, डिवीजन का साइन है दोनों के बीच में, तो पावर्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और बेस सेम हो और मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो आप पावर्स को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये भी लॉ हमारा आगे कहीं सॉल्व यूज़ होगा तो मैं आपको फिर से इसको डिस्कस करूँगी। बस आपको इतना याद रखना है कि बेस सेम है मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर ऐड होती है, बेस सेम है डिवीजन का साइन है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। ओके, नेक्स्ट पार्ट सी पार्ट इज फाइव रेज टू पावर टू माइनस थ्री रेज टू पावर टू इज इक्वल टू फोर रेज टू पावर टू। ये जो मैंने टू लॉज डिस्कस किए हैं ये दोनों लॉज मल्टीप्लीकेशन और डिवीज़न के लिए यूज़ होते हैं, अगर बीच में माइनस या प्लस का साइन है तो लॉज यूज़ नहीं होते हैं, चाहे बेसिस सेम ही क्यों ना हो। बट यहाँ तो बेसिस डिफरेंट है, फाइव रेज टू पावर टू माइनस थ्री रेज टू पावर टू, तो मैंने फाइव रेज टू पावर टू और थ्री रेज टू पावर टू पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिया है फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करूँगी, एक्सपेंड किया है दोनों को और इसका आंसर 25 है, इसका आंसर 9 है और 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। ठीक है, और राइट हैंड साइड में 4 रेज टू पावर 2 है और इसको सॉल्व किया है तो 4 फोर ज़ा 16। अगेन देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, हैंस वेरीफाइड। तो वेरीफिकेशन में के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है। ओके, एंड नेक्स्ट पार्ट इज नेक्स्ट डी पार्ट भी सेम ही है आपका, यहाँ पर भी देखिए 12 रेज टू पावर 2 प्लस 5 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 13 रेज टू पावर 2। अगेन आपको पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, 12 रेज टू पावर 2 मीन्स 12 मल्टीप्लाई बाई 12 एंड 5 रेज टू पावर 2 मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब आप 12 यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं 144 और इसको सॉल्व किया तो 25, दोनों को ऐड किया तो 169। सिमिलरली राइट हैंड साइड में 13 रेज टू पावर 2 है तो आपको 13 को 2 टाइम्स लिखना है, 13 इंटू 13
and this is equal to 169. Again left hand side is equal to right hand side. Okay, and this was the 9th question. And 10th question is your true and false. तो वहाँ पर आपको true false बताना है, वो भी मैं आपके साथ discuss करूँगी. But before that हम 11th question करेंगे. 11th question है what power of 2 is 32. Again understand the question, क्या करना है इसमें. आपको बताना है कि 2 की कितनी power होगी कि वो 32 के equal होगा. What power of 2 is mean is equal to 32. तो ये तो या तो आप मल्टीप्लिकेशन में बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो, अब 32 है या तो स्मॉल नंबर है, आपके पास लार्ज नंबर भी हो सकता है. तो हमें इसका वे सीखना है, व्हाट इज़ द वे टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो टू, व्हाट पावर ऑफ टू इज़ 32. इसके लिए हमें 32 को ब्रेक करना है, ठीक है. 32 को उसकी प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, किसकी, टू की, एज टूज, ठीक है. हाउ मैनी टूज मेक्स 32. तो हम 32 को फैक्टराइज करेंगे, बट किस में करेंगे, टूज में करेंगे. तो मैं सिंपल यहाँ पर 32 को ये करते हैं, 32 के फैक्टर करेंगे. बट अब आपने 2 से ही इसको फैक्टर करना है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, जैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 216 सा अगेन आपको 2 से ही करना है, 28 सा अगेन 2 से, 24 सा, फिर 22 सा और 21 सा. ये जो आपका काम है ये आपने रफ में साइड में कर लेना है. अब देखिए, अब ये जो आपके पास सारे टूज हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 32 ही मिलेगा. 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32. 2 का तो टेबल हम सिंपली भी कर सकते थे, ये करने की भी ज़रूरत नहीं है. बट जब लार्ज नंबर आएंगे तो उसके लिए हमें यही प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है. तो हमने 32 इज़ इक्वल टू दैट इज़ 1 2 3 4 5 फाइव टाइम्स 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इज़ इक्वल टू 2 रेज टू पावर 5. इट मीन व्हाट पावर ऑफ 2 इज 32, फिफ्थ पावर ऑफ, देयर फोर फिफ्थ पावर ऑफ 2 इज 32. ओके, ये आपका ए पार्ट है 11th क्वेश्चन का. इसी तरह बी पार्ट है. बी पार्ट में क्या है, व्हाट पावर ऑफ -4 इज -64. तब आपको 64 को फैक्टराइज करना है, बट किस फॉर्म में करना है, फोर्स की फॉर्म में. हाउ मैनी फोर्स मेक्स 64. हम 64 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि हमें 64 मिल जाए. तो हम 64 को फैक्टराइज करेंगे. अब आपने इसको 2 से नहीं करना है, आपने किससे करना है, 4 से करना है. आप साइंस को छोड़ दीजिए, 4. 64 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो आंसर आपको मिलेगा 16. ये तो आपको क्लियर है, ये तो आपने पहले भी किया है. अब फिर से 16 को डिवाइड करना है, किससे करना है, 4 से. इस साइड पे हमें 4 ही लेने हैं जो यहाँ पर दिया है. 4 4 ज़ा 16, नाउ 4 1 ज़ा 4. तो हाउ मैनी फोर्स, देर आर 3 4s. इट मीन्स -64. अब देखो -64 तो हमने -64 ही लिया है. अब नेगेटिव है ना, 3 टाइम्स है, तो आंसर तो हमारा नेगेटिव में ही आएगा. तो यहाँ पर भी -4 इंटू -4 इंटू -4 दैट इज इक्वल टू -4 रेज टू पावर 3. इट मीन्स क्यूब ऑफ -4 या थर्ड पावर ऑफ -4 इज इक्वल टू -64. देयरफॉर थर्ड पावर और क्यूब ऑफ -4 इज -64. ठीक है, आगे भी इसके कुछ पार्ट्स हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं. नाउ सी पार्ट इज व्हाट पावर ऑफ 10 इज 1 लाख. तो अब हम इसको ब्रेक करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, किसमें, टेंस की फॉर्म में. ठीक है, तो मैं पहले 1 लाख को 10 से डिवाइड कर रही हूँ. अब आपको पता है डिवीज़न में जब हम किसी भी ज़ीरोज वाले नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो उसका 10 जो है वो रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, तो 10, जब 1 लाख को 10 से डिवाइड किया इट बिकम 10,000. फिर 10,000 को 10 से किया तो 1,000 हो गया. 1,000 को 10 से करेंगे तो 100. 100 को 10 से करेंगे तो 10. और 10 को 10 से किया तो 1. इट मीन्स 5 टाइम्स 10 मेक 1 लाख. जितनी ज़ीरो होंगी उतने टाइम्स
टेंस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा. 10^5, देयरफॉर फिफ्थ पावर ऑफ 10 इज इक्वल टू 1 लाख. ओके, सिमिलरली डी पार्ट इज माइनस, व्हाट पावर ऑफ -5 इज -125. अगेन 125 को फैक्टराइज कर लिया. जब भी आपने किसी नंबर की पावर बतानी है, बेस गिवन है, तो आप उसको बेस से ही क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे. ठीक है, तो आपने 5 से इसको फैक्टराइज करना शुरू किया. 5 25 से 125 होते हैं, फिर 5 5 से 25, 5 1 से 5, और तब तक फैक्टराइज करते जाना है जब तक आपको 1 नहीं मिल जाएगा. ठीक है, तो नेगेटिव था तो आपने नेगेटिव मीन्स 3 टाइम्स आया तो सबके साथ नेगेटिव लिखना है. -125 इज इक्वल टू -5 × -5 × -5, दैट इज इक्वल टू -5^3, एंड 3 इज रिटन एज क्यूब ऑफ -5 और 3rd power of -5 भी लिख सकते हैं. सो क्यूब ऑफ -5 इज -125. तो ये हमारे था 11th क्वेश्चन. इसके 4 पार्ट थे, मैंने सारे पार्ट आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं. नेक्स्ट जो हमारा 10th क्वेश्चन था, दैट इज ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, उसको भी डिस्कस करते हैं अभी. इसमें आपको ट्रू फॉल्स ही लिखने हैं. स्टेटमेंट गिवन है, ए पार्ट इज 3^4 इज इक्वल टू 4^3. नो, अगर हम पावर और बेस को इंटरचेंज कर देते हैं तो उनका जो आंसर होता है वो कभी भी इक्वल नहीं आएगा. ठीक है, सो इट इज फॉल्स. नाउ 9^7 डिवाइडेड बाई 9^5 इज इक्वल टू 9^2. तो ये वही क्वेश्चन आ गया जो भी मैंने लॉज आपके साथ डिस्कस किए हैं. तो ये सेकेंड लॉ आ गया कि यहाँ पर बेस सेम है. आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके देखने की ज़रूरत नहीं है आपको कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा. तो बेसिस सेम है, 9 9, और डिवीज़न का साइन है तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है. तो 9 - 5 इज इक्वल टू 2, मीन्स इट विल बी इक्वल टू 9^2. तो ये क्या है फिर, ये ट्रू है. ठीक है, अब ट्रू फॉल्स तो आप आंसर की से देख के भी लिख सकते हैं, बट आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये ट्रू है तो कैसे है और फॉल्स है तो क्यों है. ठीक है, अगेन -5^2 × -5^3 × -5, अब कोई पावर नहीं है, इट मीन यहाँ पर इसकी पावर क्या है, 1 है. इज इक्वल टू -5^6, क्या ये इक्वल है इसके -5^6 के. तो अब आपको क्लियर हो गया ये लॉ फर्स्ट यूज़ हो रहा है, हमें मल्टीप्लाई करके देखने की ज़रूरत नहीं है. बेसिस क्या है, सेम है, मल्टीप्लाई के साइन है बीच में, तो सबकी पावर क्या हो जाएंगी, एट 2+3 5, एंड 5+ कोई पावर नहीं होती है तो 1 होती है. 5+1 = 6, दैट इज -5^6. तो ये भी क्या है, ट्रू है. अब यहाँ पर देखिए, 6^3 + 6^2 इज इक्वल टू 6^3 + 2, क्या ये इक्वल होंगे. तो कई बच्चों को लग रहा है हाँ बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो. नो, इट विल बी फॉल्स, क्योंकि बेस सेम के साथ साथ यहाँ पर साइन भी कौन सा होना चाहिए, मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, तभी हम इनकी पावर को ऐड करते हैं. ठीक है, तो इट इज़ फॉल्स. ओके, नाउ ई पार्ट, क्यूब ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर इज पॉजिटिव, मीन्स अगर आपके पास कोई नेगेटिव इंटीजर है और क्यूब मीन्स उसकी पावर 3 है, तो क्या आंसर पॉजिटिव होगा. तो क्यूब मीन 3 पावर, और 3 क्या है, ऑड नंबर. तो नेगेटिव इंटीजर की पावर अगर ऑड होती है तो हमारा आंसर भी नेगेटिव ही होता है. तो ये भी क्या है, फॉल्स है. ओके, नेक्स्ट -1^101 इज इक्वल टू -1. तो आंसर तो हमारा 1 को मल्टीप्लाई करके 1 ही आने वाला है, बट वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा उसकी पावर पर डिपेंड करता है. अगेन 101 इज ऑड नंबर, और ऑड है तो -1 के इक्वल होगा. इट इज ट्रू. ओके, नाउ 1^3 इज इक्वल टू 3. नो, 1^3 मीन्स 1 × 1 × 1. आप 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल गेट प्रोडक्ट अगेन 1. ओके, तो ये रॉन्ग है आपका. क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज नेगेटिव. अब पॉजिटिव इंटीजर का चाहे आप क्यूब करो, क्यूब मीन्स पावर इवन हो चाहे ऑड हो, आंसर पॉजिटिव ही रहेगा, आंसर कभी नेगेटिव नहीं आता है. पॉजिटिव इंटीजर की पावर कुछ भी हो, आंसर पॉजिटिव ही आएगा. ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव बोल रहा है तो इट विल बी फॉल्स. ओके, नाउ 3^2 इज इक्वल टू 6. नो, इट्स रॉन्ग. 3^2 में हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, 3 को 3 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 3 ज़ा 9 होगा.
ठीक है, तो ये रॉन्ग है, ये भी फॉल्स है आपका। नाउ नेक्स्ट पार्ट, सिक्स्थ पावर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज पॉजिटिव। नाउ सिक्स्थ पावर ऑफ नेगेटिव इंटीजर किसकी, नेगेटिव इंटीजर की सिक्स्थ पावर है, तो क्या वो पॉजिटिव होगी? तो सिक्स्थ क्या है, सिक्स इज इवन नंबर, तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा, तो ये भी ट्रू है। तो ये जो हमने क्वेश्चंस 8, 9, 10 और 11 आज डिस्कस किए हैं, आप इसको अच्छे से खुद एक बार सॉल्व करेंगे, वीडियो को देखेंगे फिर उसको खुद सॉल्व करेंगे और अपनी फिर नोटबुक में भी इसको नोट करेंगे, ठीक है। ये हमारी लास्ट वर्कशीट थी और जो ब्रेन टीजर है वो सभी हमारे जो हमारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं उसी पर बेस्ड हैं, ठीक है, तो वो भी आपको खुद ही अब ट्राई करनी है। ओके, सो विथ दिस थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।